नमस्ते मित्रों, मैं सुहांशु चौहान फिर से नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज एक अलग ही विषय लेकर उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है ये केवल और केवल पुरुषों की समस्या से संबंधित है। समस्या का नाम है फाइमोसिस। फाइमोसिस क्या होता है, इस बारे में अगर कोई चर्चा भी करना चाहता है तो या तो शर्मा जाएगा या फिर चुप रह जाएगा। तो इस समस्या के बारे में मैं बतलाना चाहता हूँ कि जब बालक को नहलाया जाता है तो उसको समझाना चाहिए कि उसकी जननेंद्रिय के अग्रभाग को जो त्वचा है उसे समय समय पर पीछे खींचना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोई समस्या पैदा ना हो। जब यह त्वचा खुलती नहीं है तो बच्चे क्या, युवा क्या, प्रौढ़ क्या, किसी को भी समस्या पैदा हो सकती है। ये समस्या पैदाइशी भी हो सकती है और किसी संक्रमण की वजह से भी हो सकती है। इस समस्या में जब त्वचा खुलती नहीं है तो मूत्र त्याग करने की समस्या पैदा होती है। इसके अलावा कई बार त्वचा के नीचे दाने हो जाते हैं, जलन होने लगती है और अन्य लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जिसमें कि दर्द भी शामिल है। इससे बदबू भी आ सकती है और व्यक्ति परेशान हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार सर्जरी करवाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति जब त्वचा पीछे नहीं जाती फाइमोसिस कहलाता है। अधिकांश बच्चों को शुरू में यह समस्या बनी रहती है परंतु समय के साथ साथ यह समस्या ठीक हो जाती है। इस बारे में हमसे पूछा जाता है क्या होम्योपैथी में इससे कोई लाभ हो सकता है। तो किसी प्रकार के अगर संक्रमण से यह लक्षण उत्पन्न हुआ है तो होम्योपैथी से इसका उपचार संभव है। इस बारे में मैं आपको कुछ दवाओं की चर्चा करना चाहूँगा। पहली दवा कैप्सिकम 30 शक्ति की है। कैप्सिकम 30 शक्ति में दिन में 3 से 4 बार देना है। खोपरे का तेल त्वचा पर लगाना है। अब आप पूछेंगे कैप्सिकम दवा क्यों देना है। तो कैप्सिकम दवा देने के लिए एक विशेष लक्षण होता है। वो लक्षण क्या होता है कि व्यक्ति केवल और केवल घर पर रहना चाहता है, उसको होम सिकनेस रहता है। ऐसे व्यक्ति को अगर फाइमोसिस हो जाता है तो कैप्सिकम दवा उसको ठीक करने में बहुत मदद करती है। फाइमोसिस ही नहीं और भी कोई समस्या हो तो कैप्सिकम दवा से उसको लाभ हो जाता है। अब हम अगली दवा का चर्चा करेंगे। इस दवा का नाम है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ 30 शक्ति में दवा देना है। इसका विशेष लक्षण क्या है कि जब भी त्वचा पर कोई कपड़ा भी छू जाए या हाथ भी लग जाए तो एकदम भयंकर दर्द होता है। यह मूत्र संक्रमण के कारण भी हो सकता है। इससे स्थिति में हिपरसल्फ 30 शक्ति में दिन में 3 से 4 बार देना है। अगली दवा जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा उसका नाम है मरसोल। इसकी आवश्यकता कब होती है, जब जननेंद्रिय में सूजन हो जाती है, मूत्र मार्ग जो है वो उसका मुख जो है लाल हो जाता है और हरा स्राव आने लगता है, तब ऐसी स्थिति में हमें मरसोल की आवश्यकता होती है। एक और दवा जिसकी चर्चा किए बिना इस विषय को उपसंहार करना संभव नहीं है, उस दवा का नाम है एसिड नाइट्रिकम। एसिड नाइट्रिकम दवा तब देना होती है जब ऐसा प्रतीत होता है कि त्वचा के नीचे घाव बन गया है और घाव बन जाने के साथ साथ में दुर्गंध आने लगती है। पेशाब की गंध इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी कह सकता है कि ये पेशाब किसने करा है। तो ये कुछ दवाएं मैंने आपको फार्मासिस्ट के ठीक करने के लिए दी है। मित्रों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये सारी दवाएं एक साथ नहीं देना है। जिस दवा का लक्षण है
उसी दवा के अनुसार ये दवा देना है। दूसरी बात ये कि इसके लिए अनेकानेक दवाओं की आवश्यकता हो सकती है या किसी एक दवा से भी इसमें लाभ हो सकता है। इस सब लाभ को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है कि आपको किसी अच्छे होम्योपैथी चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। वो आपके सारे लक्षण मानसिक शारीरिक और शारीरिक लक्षण तो हम चर्चा कर चुके हैं, फाइब्रोसिस में क्या होता है, तो उस समस्या को एक चिकित्सक के मार्गदर्शन में अगर आप उपचार कराएंगे तो अतिशीघ्र लाभ होगा और इसको छिपाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं ये वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि कई लोगों को ऐसा लगेगा कि क्या विषय लेके बैठे, परंतु मेडिकल साइंस या शारीरिक बीमारियों के बारे में चर्चा करने में हमें शर्माना नहीं चाहिए। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बचपन से ही इस बीमारी से बचने का तरीका बताना हर पेरेंट का कर्तव्य है। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।